हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज है महाशिवरात्रि, तो आज घर में भी पूजा करना है और मंदिर में भी, तो दोनों जगह का पूजा आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से मेरा शिवरात्रि जो है वो पूजा होगा। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और अभी देख सकते हैं सुबह का मेरा काम जो निपट चुका है, अब बस नहाना है। और टाइम अभी देख सकते हैं 7:45 हो रहा है घड़ी में, तो अभी नहाने जा रहे हैं और मिलते हैं आपसे नहाने के बाद। तो यहाँ पे नहा के आ चुके हैं और 8:20 हो चुका है, तो अभी जल्दी से रेडी होंगे और उसके बाद पूजा भी करना है, मंदिर भी जाना है, तो बहुत ज़्यादा काम है और हड़बड़ी भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। और अभी जो है पूजा करने में टाइम भी लगेगा घर में, और उसके बाद फिर मंदिर जाना है तो उसमें भी टाइम लगेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें जाने वाला है। इसलिए जल्दी जल्दी सब कुछ कर रहे हैं कि ताकि जल्दी से मंदिर जाके आ सके। और घर का तो मेरा काम हो चुका है, बस मंदिर जाना है और घर में बस पूजा करना है। तो यहाँ पे पहले रेडी हो जाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। और रेडी होने के बाद ये जो है आलता लगाना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, मंदिर जा रहे हैं आज तो आज के दिन ये भी जो है लगा लेते हैं, और इसके बाद फिर पूजा करेंगे स्टार्ट। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको शिव और पार्वती जी का बारात भी निकलते हुए देखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो ये फाइनली जो मेरा पैर है वो रंग चुका है, तो इसको रंगने के बाद चलते हैं अब पूजा करने के लिए। अब पूजा करते हैं शुरू, और घर में पूजा में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरा, 5 से 7 मिनट में घर में पूजा हो जाएगा और इसके बाद निकलेंगे मंदिर की तरफ। तो ये सबसे पहले गंगा जल जो है सब जगह छिड़क देते हैं और इसके बाद करते हैं पूजा स्टार्ट। तो यहाँ पे मेरा पूजा जो है कंप्लीट हो गया है, अब बस यहाँ पे तुलसी जी में पूजा जल डालना है। तो पहले तो यहाँ मंदिर में भी जाने का जो तैयारी है वो भी कर रहे हैं साथ साथ में, यहाँ पे तुलसी में पूजा कर रहे हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मेरा पूजा हो चुका है कंप्लीट और अब निकलते हैं मंदिर की तरफ। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पूजा और कितना सुंदर दिख रहा है सब कुछ, फूल पत्ती और यह दीप जलाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब निकल रहे हैं मंदिर के लिए, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था, 9 से ज़्यादा 9:15 हो चुका है अभी, और मंदिर भी जाने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है 10 मिनट। तो यहाँ पे घर बंद करके चल रहे हैं मंदिर की तरफ, और नीचे प्रीति जो है वेट भी कर रही है, तो हम दोनों चल दिए मंदिर देख सकते हैं। और पैदल जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और यहाँ पे हम लोग शमी पत्ता जो है नहीं तोड़े थे, तो यहाँ पे बहुत सारा जंगल जो है वो भरा हुआ है तो उसी से तोड़ रहे हैं। और साथ में प्रीति को बेर भी लेना था, तो यहाँ पे हम बेर तोड़ के दे रहे हैं प्रीति को क्योंकि प्रीति चप्पल नहीं पहनी थी।
इसलिए यहाँ पे पेड़ से पेड़ जो है वो तोड़ रहे हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे आ चुके हैं फाइनली मंदिर, और मंदिर देख सकते हैं कितना सुंदर सजाया गया है। बहुत अच्छे से मंदिर का जो है वो डेकोरेशन किया गया है, क्योंकि आज मंदिर में भंडारा भी है, तो सारे लोग जो है आ रहे हैं आज पूजा करने के लिए। और मंदिर को इसलिए सजाया भी गया है अच्छे से। तो यहाँ पे सामान जो है पूजा का वो बाहर रख रहे हैं और पूजा करने का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग पूजा कर रहे थे तो वो लोग हटते हैं तब तक। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूजा करना मेरा शुरू हो चुका है, और एक टाइम पे एक ही इस साइड से पूजा हो सकता है, तो कभी कभी लोग रहते हैं तो वेट करना पड़ता है यहाँ पे। और मंदिर छोटा सा ही है, तो यहाँ पे मेरा पूजा हो रहा है, और मेरे करने के बाद यहाँ प्रीति भी करेगी पूजा, और दूसरे साइड से एक और लेडीज जो थी वो कर रही थी पूजा। और आज शिवरात्रि है तो ज़्यादा ही लोग मंदिर आ रहे हैं, और ऐसे मंदिर में बहुत कम ही लोग यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे मेरा पूजा लगभग कंप्लीट हो ही चुका है, यहाँ पे बस लास्ट में धूप और दिया जो है वो जला लेते हैं, और मेरा पूजा इसी के साथ हो गया पूरा। तो इसके बाद प्रीति को भी पूजा करना है, तो उनके करने के बाद ही हम लोग फिर साथ में मंदिर से निकलेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो है पूजा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मेरा पूजा फाइनली हो चुका है, और पूजा तो कर ली है। यहाँ पे मेरा जो गुलाब जो है वो रह गया था चढ़ाना, तो यहाँ पे लास्ट में फिर से चढ़ा रहे हैं गुलाब। और इसके बाद मेरा पूजा हो गया कंप्लीट, अब करेगी प्रीति, और इसके बाद थोड़ा सा वेट करते हैं प्रीति का, तो उसके साथ ही फिर प्रीति पूजा कर लेगी, उसके बाद चलते हैं। क्योंकि मंदिर छोटा सा है, यहाँ पर दो लोग ही एक टाइम पर पूजा कर सकते हैं, ज़्यादा लोग एक साथ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे प्रीति का भी पूजा हो चुका है, अब हम लोग चलते हैं अगले मंदिर में, वहाँ पार्वती जी को भी पूजा करना है। तो यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे पार्वती जी का भी पूजा करने के बाद हम लोग अब निकलेंगे घर की तरफ। तो पूजा हो चुका है हम लोगों के मंदिर का, तो देख सकते हैं यहाँ पे पंडाल भी लगा हुआ है, और बहुत सुंदर तैयारी किया गया है यहाँ का, क्योंकि आज जो है भंडारा भी है इस मंदिर में, तो बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो इसलिए सारा तैयारी जो है वो अच्छे से चल रहा था। और हम लोग निकल गए घर की तरफ, और घर जाने से पहले हम लोग एक यहाँ पे बैरक में भी शिवलिंग का स्थापना किया गया है, तो वहाँ भी हम लोग सोचे थोड़ा पूजा कर ले उसके बाद फिर चलते हैं, क्योंकि वो रास्ते में ही बीच में पड़ता है। तो अब यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं, और धूप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग बैरक में, और यहाँ देख सकते हैं शिवलिंग का स्थापना किया गया, नया ही है ये तो। और ये हनुमान मंदिर पहले से ही था, तो ये मंदिर के बाहर किया गया है शिवलिंग का स्थापना। तो वहाँ पे हम लोग दर्शन करने के बाद वापस से अब जा रहे हैं घर, तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, देख ही सकते हैं धूप बहुत ज़्यादा है, और अब भूख प्यास जो है वो लग चुका है, अब घर पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे पैर धोने के बाद दिखाते हैं आपको टाइम कितना हुआ है, देख सकते हैं घड़ी पे 10:10 हो रहा है। और आने के बाद मेरा नाश्ता हो गया था, उसके बाद ये 12 बजे जो है खिचड़ी चढ़ा रहे हैं, तो यहाँ देख सकते हैं खिचड़ी किस तरह से बनाते हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और इस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हैं सब्जी वाला खिचड़ी, और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पे दाल चावल सब कुछ रेडी रखे हैं, और थोड़ा सा मसाला डालेंगे, बहुत ज़्यादा मसाला का यूज़ नहीं करेंगे इसमें। पहले तो आलू गोभी को अच्छे से फ्राई करेंगे, जैसे सब्जी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही सारा कुछ करना है, और लास्ट में इसमें चावल दाल ऐड कर देना है, तो ये सब्जी वाला खिचड़ी जो है आपका रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे चावल दाल धो के कुकर में डालने के बाद अब कुकर को बंद करेंगे, और 3-4 सीटी आने तक इसको अच्छे से पकने देंगे हाई फ्लेम पे, तो मेरा खिचड़ी जो है रेडी हो जाएगा। और रेडी होने के बाद आपके साथ भी शेयर करेंगे कैसा दिख रहा है खिचड़ी। और यहाँ पे ये आ चुके थे, तो दोपहर का लंच जो है वो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो दही लेंगे, क्योंकि खिचड़ी के साथ जो दही खाना अच्छा लगता है, तो पहले दही निकाल के रख दिए हैं, और इनके आने का वेट कर रहे हैं, देख सकते हैं टाइम 1:15 हो चुका है, तो अभी आ ही रहे होंगे, तब तक तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे खाना जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और खिचड़ी बन चुका है, यहाँ पे पापड़ जो है वो सेक लेते हैं,
और तला हुआ पापड़ से ज़्यादा जो है इनको सेका हुआ पापड़ ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे घी, खिचड़ी, दही, पापड़ सब कुछ रेडी है और बस। और ये भी आ चुके हैं तो इनको लंच दे दे। और आगे देख सकते हैं शिवरात्रि में आज शिव जी और पार्वती जी का जो है बारात निकल रहा है वहाँ पर। और ये शिवरात्रि के दिन रात में शिव जी और पार्वती जी का पूजा किया जाता है। ये वीडियो जो है ये बिहार का है, नागपुर में इस तरह से बारात निकलता है या नहीं शिव जी का ये नहीं पता। वीडियो ये जो है ये बिहार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है शिवरात्रि। तो बहुत सारे मंदिर में जो है बारात निकाला जाता है और शादी भी होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक बाय बाय, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।